हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाए कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से, और 24/7 सपोर्ट तो आपको मिलता ही है, तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इन सारी चीजों को पाने का। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है जिसका नाम है कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये रेड कलर से यहाँ लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब, इसको क्लिक करके आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसे दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इग्नू बीकॉम में जाना है। और जाने के बाद यहाँ पे जो ज्वाइन का बटन है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमसे इन सारे फैसिलिटीज को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नोट्स आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे और आपको व्हाट्सएप पे 24/7 सर्विस मिलेगा। इसके अलावा आप ऑन डिमांड लेक्चर्स बनवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनवाना है तो आप मुझे बोल करके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवा सकते हैं। ये स्पेशल प्रिविलेज जो है सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए है जो हमारे इस मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी बेनिफिट्स का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को पक्का ज्वाइन करें। इसके साथ में बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आइए। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आपका जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उन तीनों ईयर्स को लेकर के प्लेलिस्ट मिलेंगी। उनके अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आएं। और प्लेलिस्ट में आने के बाद इग्नू बीकॉम न्यू नाम का प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर की सारी सब्जेक्ट्स और सेकंड ईयर की सब आपको दिख रही हैं। थर्ड ईयर के भी धीरे धीरे अपलोड होंगी जैसे बुक्स आ जाएंगी। बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो जैसे वो अवेलेबल हो जाएंगी मैं उनके ऊपर भी वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दूंगा और आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। राइट नाउ, कंप्यूटर्स लिंक अस टू द वर्ल्ड ऑफ अननोन। तो कंप्यूटर हमें उस दुनिया से जोड़ता है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। ये जो है हमें सपोर्ट करता है, दे सपोर्ट अस टू गैदर नॉलेज एंड सिंक्रोनाइज जाइगेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड स्टोरिंग इट एट लास्ट इन द कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, है ना। तो आपके पास ऐसी जानकारी, ऐसी दुनिया के बारे में आपको बता रहा है जिसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पूरी दुनिया में जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, उसको हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जो भी जाइगेंटिक, जो यू नो जाइगेंटिक मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी जो जानकारियां हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं है, उनको हम एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर करके कस्टमाइज फॉर्मेट में हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो कंप्यूटर हमें अलाउ करता है उस दुनिया के साथ जुड़ने के बारे में जो जिस दुनिया के बारे में हम जानते भी नहीं है। कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर्स एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एंड एडिक्वेट इनफ टू बी यूज्ड वर्चुअली एनीवेयर एंड ऑबिक्यूसली, है ना। तो इसका इस्तेमाल जो एक तरीके से वर्चुअली हर एक जगह पे हो सकता है, और ऑबिक्यूसली का मतलब हो गया कि ये तकरीबन हर एक जगह पे, हर एक टाइम पे अवेलेबल है ना। एनी टाइम एनी वेयर जो बोलते हैं ना, कि कभी भी कहीं भी ये आपका जो है अवेलेबल है, इसका एक्सेस आपको अवेलेबल होता है। इसमें सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए होगा, कंप्यूटर के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल मशीन्स एज दे आर फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मेंस एंड हैव मेड ह्यूमन लाइफ मच फास्टर बिकॉज ऑफ इट्स इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज विथ विच ह्यूमंस कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क, है ना। तो कंप्यूटर्स बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं अपने परफॉर्मेंस में, और इसके कारण से जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा है। हमें अगर किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो हमें मिनटों वहां पे लग जाएंगे, पर अगर आप कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के लिए दो तो वो तुरंत आपको करके जो है कुछ सेकंड्स में आपको आंसर बता देगा। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, जो इनपुट आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर मिलेगा, मतलब एक्यूरेसी आपको मिलेगी, है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी के कारण हम लोग बहुत सारी यू नो वैरायटी ऑफ टास्क हम कर पाते हैं। राइट, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है मल्टीटास्किंग का, कि ये एक टाइम पे बहुत सारे काम को साथ में मिलकर कर सकता है। कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग इन नेचर। A lot of tasks can be performed on computers with accuracy, which leads to the cost and time saving in a way.
है ना। तो जब हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर पे बहुत बैठ करके हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसके कारण से जो हमारा टाइम है और उसमें जो समय है उसमें भी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा रहता है। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, है ना। क्या ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देंगे तो भी वो पर सेकेंड आपको करके आपके आंसर को जो है आपके सामने ला करके दे देगा। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स पीपल कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद सेकंड्स, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जिसके जरिए आप कई और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को विद इन सेकंड्स आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। सो मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ द सेकंड एडवांटेज इज स्पीड। तो कंप्यूटर्स में आपको पता है कि स्पीड होती है, बहुत ही जल्दी ये तुरंत जो है आपको आंसर निकाल करके दे देता है। सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज देयर इनक्रेडिबल स्पीड व्हिच हेल्प्स अस टू कंप्लीटिंग न्यूमरस टास्क इन जस्ट फ्यू सेकंड्स, है ना। तो इसका जो मेजर एडवांटेज एडवांटेज है वन ऑफ द मेजर एडवांटेज जो है वो ये है कि ये बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड के साथ काम करता है, जिसके कारण से कोई भी टास्क जो है हम बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड्स में हम पूरा कर पाते हैं। With the help of computers now, operations can be performed in fraction of seconds, which otherwise would have taken a lot of time to perform, है ना? तो with the help of computers हम किसी भी तरह के ऑपरेशन को कुछ ही सेकंड्स में कर पाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास अगर कंप्यूटर नहीं होती तो उसी काम को करने में हमें काफी ज्यादा समय लगता, बट अब हमें वो समय जो है वो नहीं लगता है बिकॉज ऑफ दिस। नाउ स्टोरेज। स्टोरेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको स्टोर करके रख पा रहे हो, राइट। तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर एट अ वेरी लो कॉस्ट, है ना। जैसे आप अपनी संपत्ति जमा करके रखते हो ना, वैसे डेटा को भी जमा करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेटा जो है अभी के टाइम पे एसेट है, राइट। तो उस एसेट को आप कहाँ पे रखोगे, आप उस एसेट को आप कंप्यूटर पे रखोगे, उसको उस एसेट को स्टोर करके रखना काफी ज्यादा लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। आपको पता है कि 5 GB जो है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का जो वन ड्राइव है, आपको 5 GB तक का फ्री डेटा मिलता है। उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो आपको थोड़ा पेबल चार्जेबल हो जाएगा, बट फिर भी आपको फ्री में डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप डेटा को स्टोर करके रख पाए। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इज द मेन एडवांटेज विच हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इसका जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिसके जहाँ पे आप डेटा को एक तरीके से स्टोर करके रख रहे हैं, ये इसका मेन एडवांटेज है, जिसके जरिए आप अपने कॉस्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर पाते हैं, आपको कोई खास खर्चा जो है इस चीज के पीछे नहीं करना पड़ता है। सो स्टोरेज इज वन ऑफ द एडवांटेज। नाउ द फोर्थ एडवांटेज इज एक्यूरेसी। तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छा है, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट निकलेगा, है ना। सो वन ऑफ द रूट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट कैन परफॉर्म नॉट ओनली कैलकुलेशंस बट आल्सो विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। तो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं कर सकता, बल्कि जो ये कैलकुलेशन करता है इसमें एक्यूरेसी भी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। एक्यूरेसी मतलब इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। अगर आप डेटा ठीक तरीके से दोगे, इनपुट करोगे, तो आपको आउटकम जो है वो सही ही मिलेगा, राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा को सिक्योर करके रखना, जब आप डेटा को जमा करके रख रहे हो, जब आप जैसे अपनी प्रॉपर्टी को कहीं रखते हो, संपत्ति को, एसेट को कहीं रखते हो, तो आप उसके ऊपर ताला लगा करके रखते हो, है ना, ताकि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे, आपका जो संपत्ति है वो सिक्योर रहे। उसी तरीके से डेटा की सिक्योरिटी का काम भी है जो है वो कंप्यूटर को करना पड़ता है। तो कंप्यूटर में जो है वायरसेस होते हैं, आ जाते हैं, तो उसके लिए एंटीवायरसेस का इस्तेमाल होता है जो कि आपके डेटा को सिक्योर करके रखता है। सो डेटा सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग द डिजिटल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन From any unauthorized access or breach. So data security का मतलब होता है कि आपके digital data की या फिर informations को एक तरीके से बचा करके रखना किसी भी तरह के unauthorized access या फिर breach से, है ना? Computers with the help of technologies can provide security from destructive forces and from unwanted action of unauthorized users like cyber attacks or access attacks, है ना? तो आप कंप्यूटर जो है एक तरीके से आपको बचाता है उन सारी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, हेल्प के साथ, जो कि एक तरीके से आपको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपके फोर्सेस को, जो अनवांटेड एक्शंस आप नहीं चाहते हो कि वो चीजें हो, बट वो चीजें वो कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों के साथ जो है आपको कंप्यूटर बचाता है, वो आपको साइबर अटैक और एक्सेस अटैक से बचाता है। सो दीज आर द 5 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा और ये आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। मैं फिर से आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे आकर के ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके जो हमारा मेंबरशिप का प्लान है आप उसे ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।